हेलो एवरीवन, नमस्कार प्रणाम। मैं इसके ब्लॉग्स आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग्स में। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी मैं घर से निकल गई हूँ और थोड़ा जल्दी निकल गई क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं है, तो मुझे चल चल के बस स्टैंड तक जाना पड़ रहा है, मतलब मैं जहाँ से चढ़ती हूँ वहाँ तक। और अभी मैं मतलब बीच में हूँ, बीच रास्ते में पहुंच गई हूँ और मेरी सिस्टर मेरा पीछा कर रही थी तो मैं हड़बड़ी में घर से निकल गई, थोड़ा जल्दी निकल गए हम। और रो रही थी, बोल रही थी कि मुझे भी साथ लेके चलो अपने साथ, तो मैं जल्दी निकल गई। और अभी बस का टाइम ही हो रही है, मुझे लगा पहले मामा जी मुझे पहुंचा देंगे वहाँ तक, लेकिन उनका कुछ काम आ गया वो चल गए और मुझे चल चल के जाना पड़ रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड्स और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। मैं अभी वेट कर रही हूँ बस का और यहाँ पर धूप में बैठे हुए है, गर्मी लग रही है, पूरा मेरा फेस तो पूरा पसीना पसीना हो गया। और बस पता नहीं बस कब आएगी, ऐसे टाइम से पहले हम तो आ गए हैं, 7:54 हो रहा है, मतलब 8 बजे तरफ शायद आएगी बस। और हम बैठे हुए हैं इधर में, गर्मी लग रही है इतना ज़्यादा बोलिए मत, तब तक बस आने का वेट करते हैं यहीं पर बैठ के। बस आएगी लेकिन थोड़ा लेट होगा, बोलते बोलते बस भी अभी पहुंच गई है। और उधर में है देखिए, चलिए हाथ बढ़ाते हैं। ये रही बस, पहुंच गई हूँ GTS और बस से हम अभी उतर गए हैं। और अभी मैं सब्जी लेने के लिए जाऊंगी मार्केट, कुछ सब्जी वगैरह लेके जाना है। चलिए केला सब मत दीजिए, 20 का दीजिए। कब? अच्छा कैसे?
गाइस मैं सब्जी वगैरह लेके अभी निकल गई हूँ और ये देखिए मेरा सब्जी सब और पूरा धूप लग रही है। हम छाता घर में भूल गए और मेरा ब्रश मेरा कोलगेट सब भी भूल गए घर में ही। और सब सामान हम लेके जाते हैं फिर बाद में हम घर में ही छोड़ के आ जाते हैं। आने के टाइम में जल्दी होती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ घर में। दो ठो कोलगेट था, एक ब्रश जी भी मेरी सिस्टर के लिए भी था तो उसको दे दिए और कोलगेट दोनों ही हम भूल गए घर में। मेरा दुपट्टा गिर जा रहा है। चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए गाइस और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। मैं अभी पहुंच रही हूँ रूम और आती ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। फैन चला के हम बैठे हुए हैं और सारा सामान हम निकाल दिए हैं इधर उधर देखिए, जितना भी मेरा बैग में था सब। और ये वाला पैसा हम गुल्लक में डालने वाले हैं। कितना है? 20 रुपीज़ सिक्का है। और सारा गैस वगैरह हम लोग अंदर में रख दिए हैं। मतलब मेरी सहेली थी कल को गई तो बाहर में, मतलब बाहर हम लोग खाना बनाते हैं तो गैस बर्तन सब अंदर रूम में रख के गई है। इधर देखिए बर्तन सब हमारा। और मुझे अभी खाना बनाना है, खाना बनाएंगे तो पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं धूप में आए पानी वानी पी के, फिर खाना बनाने में लग जाते हैं खाना बनाएंगे। और हम आज नहाए भी नहीं हैं और करंट है अभी, इंडक्शन में बनाएंगे। इंडक्शन को भी हम डब्बा में रख के गए थे क्योंकि इंडक्शन मैंने लिया है, मेरा इंडक्शन चला है। तो चलिए पहले मैं रेस्ट कर लेती हूँ और मैं जब घर गई तब अपना दवा को मैं छोड़ के मैं लेके जाने वाली थी लेकिन ऐसे ही रख दिए थे, ऐसे ही है मेरा, मैं भूल गई। बाद में मुझे याद आ रहा है कि मैं दवा लेके नहीं आई हूँ, थोड़ा सा ही दवा भी बचा है मेरा। अभी तक मैं लंच नहीं की हूँ और अभी टाइम हो रही है कितना होगी, शायद 2 बजे ना, हाँ 2 बजे शायद होगी। और गर्मी से मेरा फेस पूरा ऑयली लग रही है और अभी मैं खाना खाने वाली हूँ। जस्ट अभी मेरा सब्जी हो गया है, आके खाना वाना बनाए। और ये रहा देखिए, ये हम इसको ऐसे रख दिए, क्या सब्जी बनाए हैं पूरा मेरा। ओह माय गॉड, ये देखिए सूजना डाटा आलू और टमाटर का। और इधर में मेरा खाना है और मैं अभी खाना खाने वाली हूँ। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। सुबह भी हड़बड़ी हम थोड़ा सा खा लिए और मेरी सिस्टर मेरा पीछा कर ली थी तो जल्दी हम भाग के आ गए घर से, पूरा रो रही थी वो। तो चलिए अभी हम खाना खाएंगे। ये रहा फ्रेंड्स मेरा खाना। और बाहर में मुझे गर्मी लग रही है बहुत, इसे हम रूम में खाने वाले हैं। और थोड़ा बहुत बारिश हो ही रही थी आज भी, लेकिन मतलब ऐसे धूप दे रही है पूरा अंदर बहुत ज़्यादा भाप लग रही है, गर्मी लग रही है बहुत। फैन ऑन कर देते हैं और अपना मोबाइल हम चार्ज में बैठा दिए हैं। ओह माय गॉड, तो चलिए हम खा लेते हैं। जब ज़्यादा भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, इतना खा रहे हैं। और आज से मुझे ऐसे सूखा भात खाना पड़ेगा क्योंकि घर में रहती है तो सुबह शाम माड़ भात खाना पड़ता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसे खाने के टाइम बात नहीं करनी चाहिए। मैं फटाफट खा लेती हूँ। A few moments later.
फ्रेंड्स, मैं सोने का ट्राई कर रही थी लेकिन थोड़ी देर में फ़ोन देख रही थी। कल परसों क्या बोलेंगे, कल परसों काम करके करके बहुत ज़्यादा थक जाती थी मैं। जैसे ही काम से खेत से घर आते थे, नहाते थे, फिर मामी जी की हेल्प करते थे काम में, झाड़ू को झाड़ू, फिर बर्तन वगैरह साफ करने में, और मेरी सिस्टर रोती थी उसको चुप करने में बिजी हो जाते थे मैं उसकी हेल्प, मामी जी की हेल्प करती थी। और मतलब ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे हम घर में। और सुबह होती ही दादी माँ नानी माँ बुलाती थी कि चलो उठो, आज भी तुम दोनों को खेत नहीं जाना है, ऐसे करती थी। और सुबह मतलब जब आ रही थी मैं बस से, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, मैं बस में सो जा रही थी लेकिन सोए नहीं। और अभी भी मैं सोने का ट्राई कर रही थी लेकिन सो नहीं पाई। और कुछ कुछ वीडियो में अच्छा खासा व्यूज़ जा रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे पहले 100-200 जाता था, अभी कुछ कुछ वीडियो में 500-600 ऐसे करके बढ़ते ही जा रहा है। और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सच में गाइस, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, मतलब मेरे मुँह क्या बोलते हैं, मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं मैंने सुना है मेरी कुछ ना कुछ खामियां निकालते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा नाक लंबा है, मेरा मेरी हाइट छोटी है, ऐसे कुछ करके। तो कुछ कुछ वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और आप लोगों के कुछ के कमेंट्स ये हैं कि मैं फेसबुक या इंस्टा चलाती हूँ कि नहीं चलाती हूँ। तो मैंने अभी तक फेसबुक और इंस्टा में अपना आईडी नहीं बनाया है, बस मैं यूट्यूब चलाती हूँ। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो मैं देखूँगी, कल परसों मैं अकाउंट अपना ओपन करूँगी। आज तक मैंने इंस्टा और फेसबुक नहीं चलाया है, बस पहली बार मैं यूट्यूब चला रही हूँ। यूट्यूब भी पहले ऐसे 3 साल हो गया मोबाइल लेके, लेकिन 3 साल में मैंने मतलब 1 साल हो गया शायद अकाउंट ओपन किए, मतलब अकाउंट जब से फ़ोन लिया तब से ओपन था, लेकिन वीडियोस वगैरह नहीं डालते थे, यहाँ पर रख रहे हैं। और कुछ कुछ वीडियोस मतलब क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहले मैं अपलोड करती थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। पहले तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, से शॉर्ट्स वीडियोस में भी व्यूज़ नहीं जाते थे, लेकिन कुछ दिन से मैं देख रही हूँ अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, उतना अच्छा भी नहीं लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि क्या बोलेंगे, अगर बोलूँगी मुझे ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ऐसे नहीं होता है, कुछ ना तो मेहनत लगता है, कुछ दिन तो मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो मैं जल्द ही अपना इंस्टा और फेसबुक अकाउंट खोल लूँगी, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और आज का ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर रहे हैं कि दी आप बहुत क्यूट हो, सुंदर दिखते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो शुक्रिया आप लोगों को। तो आज का ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।